विश्व कप 2019 का 28वां मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने शमी की हैट्रिक के दम पर अफगानिस्तान की टीम को आखिरी पलों में 11 रनों से हराकर बेहतरीन जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत का अब अंक 5 मैचों में 9 अंक हो गया है और वो अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं अफगानिस्तान की टीम 6 मैच में से 6 मैच हारकर 0 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे आखिरी यानी 10वें स्थान पर है। इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 224 रन बनाए और अफगानिस्तान के सामने 225 रनों का लक्ष्य रखा। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बुमराह और शमी की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 49.5 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट कर दिया। दूसरी पारी का 50वां ओवर शमी को सौंप दिया गया। अफगानिस्तान को जीत के लिए 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाएगी क्योंकि क्रीज पर मोहम्मद नबी थे, पर शमी ने उन्हें अपनी आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने आफ्ताब आमला को भी आउट कर दिया और फिर शमी ने इस ओवर की पांचवी गेंद पर उर रहमान को भी आउट कर दिया और अपना हैट्रिक पूरा किया। यह विश्व कप में उनका पहला हैट्रिक था और भारत की तरफ से विश्व कप में उन्होंने दूसरा हैट्रिक विकेट लिया। शमी से पहले चेतन शर्मा विश्व कप में ये कमाल कर चुके थे। इस मैच में शमी ने कुल 4 विकेट लिए जबकि बुमराह, चहल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए।